दिल्ली के रियान इंटरनेशनल स्कूल में दिव्यांश की मौत को लेकर उठे नए सवालों की। दिव्यांश के पिता ने पुलिस से 25 सवाल पूछे हैं और इनमें से कुछ सवाल दिव्यांश की मौत के पीछे बेहद दर्दनाक अपराध की तरफ इशारा करते हैं। इस वक्त दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिव्यांश की मां जिनकी आंसू नहीं थम रहे दिव्यांश को खोने के बाद से, और उसके बाद से ही माता पिता दोनों लगातार इन्वेस्टिगेशन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। पिता रामहित मीणा ने लिखा है कि वो शुरू से ही बच्चे के साथ गलत काम किए जाने के बाद मार दिए जाने की शिकायत लिखवा रहे हैं, लेकिन पुलिस की जांच इस तरफ नहीं हो रही। पिता का ये शक भी कई वजहों से है और इसी का समर्थन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी किया, और उन्होंने कहा कि माता पिता जो आरोप लगा रहे हैं, जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। दिव्यांश की मौत पर पिता रामहित मीणा ने जो सवाल खड़े किए वो आपके सामने। बच्चे को गलत काम के बाद मारे जाने की लगातार शिकायत हम कर रहे हैं, रिपोर्ट लिखवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई इस पर नहीं हुई। माता पिता का साथी ये भी कहना है कि दिव्यांश की मौत को लेकर अब तक उनसे किसी तरह की बातचीत पुलिस की तरफ से नहीं हुई है, ना उनसे ये पूछा गया है कि क्या बीते दिनों में उन्होंने किसी तरह की कोई परेशानी या दिव्यांश के बर्ताव में कोई बदलाव महसूस किया या नहीं। साथ ही उनका ये कहना है कि बच्चे के शरीर पर कपड़े नहीं थे, सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स पर कॉटन क्यों। यौन शोषण का आरोप दिव्यांश के माता पिता ने लगाया है। क्लास में शिक्षक के रहते बाहर आखिर दिव्यांश कैसे पहुंचा, कैसे निकला, ये एक बड़ा सवाल। बच्चों ने सुबह 9:30 बजे दिव्यांश के नहीं होने की बात बताई, लेकिन फिर उसे खोजने में देर क्यों की गई। 2-3 घंटे की तलाशी के दौरान हमें क्यों नहीं बताया गया कि आखिर हुआ क्या है या क्या कुछ चल रहा है स्कूल में। ये तमाम सवाल दिव्यांश के पिता खड़े कर रहे हैं, 25 सवाल उन्होंने पुलिस से पूछे हैं। साथ ही जिस तरह से दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले को, उस पर भी नाराजगी माता पिता जाहिर कर रहे हैं। दिव्यांश के माता पिता से हमारे संवाददाता राम किंकर सिंह ने बातचीत की, सुनिए क्या कुछ शिकायतें उन्होंने सामने रखी। बच्चे के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, कई सारे संगीन इल्जाम लगाए हैं। ये जो कॉटन वाली बात है, जो कॉटन मिला था वो क्या है, और सिसोदिया ने, डिप्टी सीएम ने जो कहा है वो क्या है? सिसोदिया साहब को मैंने ही बताया था। क्या बताया था आपने? कि मैं जब वहाँ पे पहुँचा, मेरे बेटे की डेड बॉडी वहाँ पे हॉस्पिटल में थी, तो उसकी बॉडी पे कहीं कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ उसकी प्राइवेट पार्ट्स पे कॉटन लगा के रखा हुआ था, एनएस पे। आपको इसके पीछे क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ है? क्या आपने पुलिस को इस बाबत बताया? पुलिस को बताया, पुलिस ने खुद भी तो देखा। क्या देखा पुलिस ने? पुलिस ने तो सिर्फ कुछ पूछा ही नहीं हमसे, बताए भी क्या। पुलिस अभी तक आई नहीं है, 1% कुछ पूछने नहीं आए कि माँ बाप के क्या सवाल है, माँ बाप क्या चाहते हैं। पुलिस को कोई मतलब ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो बात आपने कही है, जांच में इस पॉइंट को कहीं भी रखा नहीं जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है? पुलिस ने कहीं भी नहीं रखा, पुलिस ने सब जगह इग्नोर किया है। पुलिस ने तो बिल्कुल लापरवाही का मामला बनाया है इसको। सिर्फ एसडीएम मैडम ने इसके अंदर लिखा है, एसडीएम मैडम की रिपोर्ट से हमें पता चला है कि स्कूल में 1/2 घंटे तक ये डिस्कस होता रहा कि आखिर बच्चे को निकाले कौन टैंक में से। आपको साजिश क्यों लगती है, एक सवाल अगर मैं करूं तो, आपको साजिश क्यों लगती है कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? क्योंकि ऐसे अंधेरी जगह में, ऐसे प्राइवेट जगह में जहां की कोई बच्चा जा नहीं सकता, वहां मेरा बेटा कैसे पहुंचा? उसके सूझ मेरे 24 क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आधार पर उनसे मुझे लगता है कि ये बच्चे को मार के डाला गया है या मारने के लिए डाला गया है। क्योंकि अंधेरे कमरे में बच्चा जा नहीं सकता, बच्चे ने लंच बॉक्स नहीं खाया, मीन्स 10-10 बजे से बच्चा गायब था, बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स पर कॉटन क्यों लगाया हुआ था, बच्चे के माँ बाप को 4 घंटे तक इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, 1/2 घंटे तक वो डिस्कशन करते रहे कि कौन निकाले, लेकिन कोई भी निकालने के लिए स्कूल का किसी भी स्वीपर को बुला रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं। आखिर में एक बच्चा जाके कूद के अपनी जान का रिस्क लेके उस बच्चे ने मेरे बेटे को बाहर निकाला। चलिए, बहुत संगीन इल्जाम है, ये जांच का विषय, मुझे ये बताइए आपको अब तक लगता है कि इंसाफ मिला? पुलिस की जांच पर भरोसा है आपको, जांच जो पुलिस कर रही है? पुलिस पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। एक सिसोदिया साहब है जो हमारे लिए कर रहे हैं कुछ, और एक मीडिया है, बस ये दो ही हमारा सहारा बना हुआ। पुलिस तो बिल्कुल बेकार, घटिया, जो नाम दे इसके बारे में पहले ही सुना था दिल्ली पुलिस बहुत बेकार है। अब तो हमारे साथ जो बीत रही हो तो बहुत बेकार है, कुछ नहीं कर रही, हमसे पूछताछ के लिए नहीं आए कि भाई देवांश की क्या हैबिट सी, उनको भी तो कुछ इंक्वायरी करनी, कुछ नहीं कर रहे, चुप बैठे हैं वो तो, एक गेस्ट चुपचाप लिख दिया बैठ गए। इल्जाम बेहद संगीन है, जाहिर तौर पर जांच होगी और जांच के बाद ही चल पाएगा कि आखिर देवांश की मौत कैसे हुई।
कैमरामैन विपिन के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। माता पिता की इस तकलीफ का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, अपने बेटे को उन्होंने खोया है। लेकिन इस बीच इस मामले को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सामने भी उन्होंने उठाया, और साथ ही मनीष सिसोदिया ने भी जो शक दिव्यांश के पिता जाहिर कर रहे हैं उस पर सवाल खड़े किए। रिपोर्ट बहुत चिंता में डालती है कि एक प्राइवेट स्कूल इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। प्राइवेट स्कूल का मैनेजमेंट, उसका स्टाफ, बच्चों की सुरक्षा के साथ अगर इतना खिलवाड़ कर रहा है तो ये सबके मन में डर पैदा कर रही है। जिस तरह से बच्चा वहाँ पहुँचा जहाँ कोई सामान्य बच्चा नहीं पहुँच सकता, उसको पानी से निकालने के लिए कोई स्टाफ तैयार नहीं हुआ, 11वीं क्लास के एक बच्चे ने उसको पानी से निकाला, और जो पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको मुझे लग रहा है इग्नोर किया जा रहा है कि बच्चे के एनल पॉइंट्स पे कॉटन लगाई हुई थी, ये सब कुछ बड़ी दुर्घटना की तरफ, किसी बड़े अपराध की तरफ इंडिकेट कर रही है रिपोर्ट। तो अभी देखते हैं, रिपोर्ट को मैं ठीक से पढ़ूंगा और उसमें जो भी एक्शन होगा जरूरी, और हम इसको कोर्ट में भी फाइल करेंगे। और इस पूरे मामले पर इस वक्त दिल्ली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, डीसीपी साउथ दिल्ली संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। जो चीज सामने आई थी उसमें नेग्लिजेंस थी, और नेग्लिजेंस के बेसिस पे जो हमने गिरफ्तारी करी, अवेलेबल ऑफेंसेस थे, उसमें बेल लेने के बाद रिलीज कर दिया गया है, बट स्टिल द इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस, इट इज नॉट क्लोज्ड। The notices have been issued to know what are the charter of duties of the administrator and is there any irregularity in the school in the matter of construction of the underground water reservoir, whether it is approved or not, that we are proving. I cannot comment on the STM report. The report is not submitted to me. It will be submitted to the their senior officers. जो नेग्लिजेंस आई थी वो इन्वेस्टिगेशन में हमने अपना जो केस डायरीज होती है और जो स्टेटमेंट्स है उसी के बेसिस पे हमने अरेस्ट किए है, और वो ऑलरेडी मैं रिवील कर चुका हूँ। देखिये, जो मेडिकल रिपोर्ट होगी आई थिंक दैट विल बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, जो भी पोस्टमार्टम करेंगे, और जो MLC हुई है तो MLC और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। अभी तक वो रिपोर्ट नहीं है तो उसके बारे में मैं आपसे अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा।